जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं दशा माता की दूसरी कथा। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गई। गांव में तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दो दो सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। नौ व्रत पूरे हो जाने पर दसवें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल दस दस अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस न हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तब ही जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो, यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सवाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो,
मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहां से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहां से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी भी छूट गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं में आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। शेखों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुख पूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गा जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घोड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरम्भ करते हैं। नौ व्रत करने के बाद दसवें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसके साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बन फरागोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना, खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उलझन में आज मारी मारी फिरती हूँ, आपके देश में आई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। नौ दिन तक व्रत किए, दसवें दिन विधवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपने पत्नी को ढूंढने चल दिया।
घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर ही स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के बीच में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उसे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब तो बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है, वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पिनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सद्धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जे भी उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे, उनके भोजनालय में पते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे, वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, उन्होंने बेरी को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाते थे। इतना पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सिर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को चार मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर
राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थरों के सिवाय कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खुटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा, तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बिचारे राजा और रानी उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातें सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करता है। दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादार ने राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला कर दी थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई, मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता की सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने नोतार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा तो कोठरी में बंद देख कर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे,
ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे। इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। उस दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बात तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े डंका निशान पालकी पीनस एवं फौज के साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न अब समझता हूँ, यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुन ननद बोली, यह उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो हुआ कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हो। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर मणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन रह गई। वह बोली, ननद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया। परंतु ननद को पूजा का नेवता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि भी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है।
वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनवाए और आटे की 10 बतियां, 10 शक्कर की गुंजिया और 10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बाती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने की ओर तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूरतगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे।